Hey friends, welcome back to my channel. Today I'm going to make herbal hair oil for faster hair growth. मैंने इसमें रोजमेरी लीव्स एंड क्लोव लिए है, आप इसे मेजिकल ऑयल भी कह सकते हो। रोजमेरी लीव्स में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं जो हमारे हेयर लॉस को प्रिवेंट करती है, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे डैंड्रफ रिड्यूस होते हैं। इसके साथ साथ आपके बाल सुपर सिल्की एंड शाइनी होंगे और सॉफ्ट भी होंगे। हेयर ग्रोज लाइक क्रेजी, ट्रस्ट मी, आप 1 मंथ तक इसे आप ट्राई करके देख सकते हो। इसके लिए मैंने रोजमेरी लिप्स, फ्रेश रोजमेरी लिप्स को ड्राई करके यूज़ कर रही हूँ। आप पैकेट वाले भी ले सकते हो। मैंने दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड कर लेने के बाद हमें ऑलिव ऑयल चाहिए। मैंने ऑलिव ऑयल इसमें 2 स्पून मिक्स किया है। ऑलिव ऑयल से हमारे बालों में ड्राइनेस कम होती है। एंड कोकोनट ऑयल, आप किसी की जगह पर कोई भी ऑयल ले सकते हो। इसे मिक्स करने के बाद हमें हीट करना है। हम डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। आप पैन किसी भी साइज़ का ले सकते हो। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है ऑयल की तो आप बड़े पैन में करो, और नहीं तो छोटे पैन में भी आप कर सकते हो। इसके लिए मैंने इस पैन में पानी डाला और पानी डालकर एक मोटे से टॉवल को रख दिया। आप इसे स्टोव पर एटलीस्ट 20 मिनट्स to 30 मिनट्स आप इसे बॉयल होने दो स्लो फ्लेम पे। लेट इट कूल डाउन फॉर सम टाइम। इसे ठंडा होने के बाद हमें फ़िल्टर करना है। मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी बनाई थी इसलिए फ़िल्टर कर रही हूँ। आप अगर चाहो तो फ़िल्टर ना भी करो तो चलेगा, क्योंकि इसके जो थिक पोर्शन है वो नीचे बॉटल के नीचे रह जाएंगे, तो आप ऊपर से ऑयल यूज़ कर सकते हो। इसके लिए मैंने कैस्टर ऑयल लिया है। कैस्टर ऑयल आपके बालों की ग्रोथ में सुपर काम करता है। और ग्रेप सीड ऑयल, ये हमारे बालों को मॉइस्चर देगा। अगर आपके पास ग्रेप ऑयल नहीं है तो उसे आप स्किप कर सकते हो। इसे आप अपने बालों में सर्कुलर मोशन में मसाज करो अच्छी तरह, और पूरी रात रहने दो। सुबह भी किसी माइल्ड शैम्पू से इसे वॉश कर लो। इसे आप कांच के कंटेनर में स्टोर करो और आप ट्वाइस अ वीक अप्लाई करके देखो। रिजल्ट विल अमेज यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय, टेक केयर।